नमस्कार, स्वागत है मित्रों आप सभी का आपके अपने परिवार एसपी शुक्ला एजुकेट में। ऐसे हमारे साथी जो चैनल पर अभी नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि आपको समस्त वीडियोस की नोटिफिकेशन साथ समय मिलती रहे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में हम देखने वाले हैं जीव विज्ञान के अंतर्गत अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को, जो कि आपकी परीक्षा की एक बहुत ही मजबूत आधारशिला रखेगा। चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति है। जब बात आती है जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की, तो आप बच्चों बिल्कुल जवाब आना चाहिए, आप सभी का जवाब आ भी रहा है। तो जीवों का वैज्ञानिक नाम कैरोलस लिनियस के द्वारा रखा गया। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, पहले पॉइंट तो ये आप नोट कर लीजिए, किसके द्वारा रखा गया, अभी देखेंगे आगे चल के ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो ये नाम लिखिए आप लोग, कैरोलस लिनियस। आप हमारे साथ पेन कॉपी भी लेकर के बैठा करें, कैरोलस लिनियस के द्वारा, समझिए सुनते हुए चलिए। तो जीवों का वैज्ञानिक नाम कैरोलस लिनियस द्वारा प्रस्तुत द्विनाम नामकरण, द्विनाम नामकरण, ये आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है। द्विनाम नामकरण का मतलब होता है, अगर जिन बच्चों को हिंदी में दिक्कत उनको बताना चाहूँगा, बाइनोमियल बाइनोमियल नोमी नोमिन कल्चर, ये होता है। तो जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति है, ये एक द्विनाम पद्धति है, या द्विनाम पद्धति है, या द्विनाम नामकरण पद्धति के आधार पर किया जाता है। इसमें जीव को लैटिन भाषा में एक विशिष्ट नाम दिया जाता है, जिसके दो भाग होते हैं। पहला भाग जो होता है इस जीव का, उसको वंश कहते हैं। पहले भाग को क्या कहते हैं, वंश कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वंश को इंग्लिश में बोलते हैं जीनियस। पहले भाग को वंश कहते हैं, तथा दूसरा भाग जो होता है उसको जाति के नाम से जाना जाता है, जिसको स्पीसेस कहा जाता है, स्पाइसेस को व्यक्त करता है। अंग्रेजी में वंश के नाम का पहला अक्षर बड़ा कैपिटल तथा जाति के नाम का छोटा अक्षर जो होता है वो स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। उदाहरणतः जैसे आपने देखा होगा, जैसे बात करें अगर मानव जाति की, तो मानव जाति किसके अंतर्गत आता है, तो आप लोग बताएंगे होमो सेपियंस। किसके अंतर्गत, मानव का साइंटिफिक नेम आप बताओगे होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, इंग्लिश में भी लिख लीजिए आप होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। तो देखिए होमो सेपियंस ये बुद्धिमान मानव जाति का है। अब जब इसको आप देखेंगे तो देखो होमो सेपियंस, तो जब हमने कहा ना कि दो चीज़ों से लिखा जाता है, एक वंश दूसरी जाति, तो होमो बताता है वंश के बारे में, जीनियस के बारे में, यानी वंश के बारे में, और ये जो आप देख रहे हो सेपियंस जो है ये जाति को बता। तो होमो का एच क्या है, कैपिटल है आप देख रहे हो, जबकि इसका एस क्या है, स्मॉल है। यह भी एक तरीके से प्रश्न बन सकता है, बनता है, तो इसको भी आप जानते हुए चलिए। तो पहले क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो गया। आइए बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह क्या रहा है, जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई की बात की जा रही है। देखिए फ्रेंड्स, आधुनिक प्रणाली में जीवों के वर्गीकरण को अगर हम आवरोही क्रम में देख लें या फिर आरोही, जिसमें क्रम में देखना चाहें, एक ही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर या आपसे असेंडिंग ऑर्डर एक में ही पूछता है, तो हम पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर लेते हैं। अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब आप समझते हैं ना, घटता हुआ क्रम, यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे बड़े को रखेंगे। तो जब जीवों का वर्गीकरण किया जाता है, तो सबसे पहला आपका जो होता है उसको जगत कहते हैं। ये जो वर्ड है जिसको हम क्या कहते हैं, किंगडम, किंगडम, सबसे पहला क्या आता है आपका, किंगडम आता है। इस जगत के बाद, जगत के बाद क्या आएगा, संघ की बात आएगी। किसकी बात आती है, संघ, संघ को बोलते हैं फॉयलम। देखिए ये बायोलॉजी है, बायोलॉजी के ज़्यादातर वर्ड्स जो होते हैं आपको पता है इंग्लिश में ही होते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे ही कि आपको हिंदी में बताने का प्रयास करते हुए, बोथ ऑफ लैंग्वेज यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों बताते हुए चलेंगे। जगत, संघ और उसके बाद वर्ग, वर्ग को यहाँ पर क्लास से डिनोट किया जाता है। क्लास के बाद फिर जब बात आती है तो गुण,
गुण, गुण इसका यहाँ गुण लिखने का मतलब क्वालिटी नहीं होता, ये ऑर्डर की बात करता है कि हाँ किसके बाद कौन सा ऑर्डर होगा, और इस गुण के बाद जो आता है उसको कहते हैं कुल। कुल का मतलब होता है फैमिली। क्या होता है फ्रेंड्स? फैमिली। फैमिली के बाद आती है बात, फैमिली के बाद बात होती है वंश की। वंश को अभी अभी हमने दिखाया आपको जीनस, जीनस के नाम से करते हैं। और जीनस के बाद जो है, जो लास्ट होती है, अंतिम जो होती है, उसी को जाति के नाम से कहते हैं स्पेसेस। स्पेसेस यानी जाति कहते हैं। आप, आपसे प्रश्न पूछा क्या जाता है उसके बारे में देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई, तो सबसे छोटी इकाई आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है ये स्पेसिस यानी जाति। जाति क्या है? सबसे छोटी। अगर आपसे पूछा जाता सबसे बड़ी इकाई, तो सबसे बड़ी इकाई क्या होती? जगत हो जाता, किंगडम हो जाता। क्या होता फ्रेंड्स? जगत यानी किंगडम होता। तो दो तरीके से ज़्यादातर मोस्टली प्रश्न पूछा जाता है। तीसरा प्रश्न आपको इसी को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखने के लिए आएगा, तो इसके बारे में भी आप लिख लोगे। सबसे पहले जगत, जगत के बाद संघ, संघ के बाद वर्ग, वर्ग के बाद गुण, गुण के बाद कुल, कुल के बाद वंश, वंश के बाद आपकी आती है जाति, यानी किंगडम, फॉयलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनियस, स्पेसिस करके आपका क्या होता है? लास्ट हो जाता है। यानी इस क्वेश्चन का दूसरे का जो सही जवाब हो गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो गया, जाति हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आपके स्क्रीन पर है। अब तक खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं हैं, यानी अब तक जितनी भी कोशिकाएं खोजी गई हैं उसमें से जीवाणु कोशिका की बात की जा रही है। आपको ऑप्शन दिख रहा है माइकोप्लाज्मा। क्या होता है फ्रेंड्स? माइकोप्लाज्मा। मित्र आपको बताना चाहूंगा, माइकोप्लाज्मा ये कैसा जीव है? कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो माइकोप्लाज्मा जो है इसके बारे में आप लिख लीजिए पहले तो एक पॉइंट। प्रोकैरियोटिक, ये कौन सा जीव है फ्रेंड्स? ये एक प्रोकैरियोटिक जीव है। पहला क्वेश्चन इसी में अगर आपसे पूछे कि ये कैसा जीव है, तो यह एक प्रोकैरियोटिक जीव है जिनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए, कोशिका भित्ति का अभाव होता है। किसका पॉइंट लिखना है? कोशिका भित्ति का अभाव होता है, ये आप पॉइंट नोट कर लीजिए, कोशिका भित्ति का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ये अब तक ज्ञात सबसे छोटी जीवाणु कोशिका है, यानी अब तक जितनी भी कोशिकाएं ज्ञात हैं उसमें सबसे छोटी कोशिका की अगर बात करेगा जीवाणु कोशिका की, तो उसमें जो है नाम आता है माइकोप्लाज्मा का। ये जीव मानव, पशुओं, पादपों, कीटों तथा मृदा आदि में पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति नहीं होने के कारण इन पर प्रतिजैविक एंटीबॉडीज का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्यों नहीं पड़ता? कभी कभी कारण क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसके कारण? तो कोशिका भित्ति नहीं होने के कारण। किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? प्रतिजैविकों। प्रतिजैविकों का मतलब एंटीबायोटिक का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे बात कर लें, आपका हो गया पेनिसिलिन हो गया, बीटा लैक्टम हो गया आदि, ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चार की तरफ। क्वेश्चन नंबर चौथा आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है प्रश्न, लाल सागर को यह नाम क्यों दिया गया? लाल सागर को यह नाम क्यों दिया गया, यानी लाल ही क्यों कहा गया? तो मित्रों, लाल सागर में जो है ट्राइकोडे स्मिथ एरिथ्रियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो एक तो पॉइंट ये लिखिए पहले, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम नामक नील हरित शैवाल बहुतायत में पाए जाते हैं। जब ये शैवाल मर जाते हैं तो सागर का सामान्य नीला हरा
जल लाल भूरा प्रतीत होने लगता है, इसी कारण लाल सागर को यह विशिष्ट नाम प्रदान किया गया है। विशिष्ट शैवालों की उपस्थिति के कारण, वो विशिष्ट शैवाल कौन से हैं मेरे दोस्तों? ट्राई कोडे इस्मियम एरिथ्रियम। थोड़ा सा पेन कोचा गया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, विशिष्ट शैवालों की उपस्थिति के कारण। वो कौन सा विशिष्ट शैवाल है? ट्राई कोडे इस्मियम एरिथ्रियम। फिर से नोट कर लीजिए, ट्राई कोडे इस्मियम एरिथ्रियम एक नाम, एक जो है यह नील हरित शैवाल होता है जो कि बहुतायत में पाया जाता है। जब ये मर जाते हैं, क्या होते हैं ये? जब ये मर जाते हैं, एक सेकंड फ्रेंड्स, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल, हाँ चलिए, जब ये क्या होते हैं? मर जाते हैं, उस स्थिति में ऐसी परेशानी बन जाती है। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5वें पर। क्वेश्चन नंबर 5वां आपकी स्क्रीन पर है, कह क्या रहा है? जिन पादपों में भोजन व जल के संवहन के लिए संवहन तंत्र पाया जाता है, वे किस पादप संघ के अंतर्गत आते हैं? किसकी बात कर रहा है? जिन पादपों में भोजन व जल के संवहन के लिए संवहन तंत्र पाया जाता है, वे किस पादप संघ के अंतर्गत आते हैं? तो जिन पादपों में भोजन व जल के संवहन के लिए जाइलम क्या होता है? जाइलम तथा फ्लोएम नामक संवहनी ऊतक, जिसको वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं, पाए जाते हैं, उन्हें ट्रैकियोफाइटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन्हें? ट्रैकियोफाइटा नामक पादप संघ के अंतर्गत रखा जाता है। ट्रैकियोफाइटा संघ को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कभी कभी पूछा जा सकता है वो 3 वर्ग कौन कौन से हैं, तो पहला वर्ग जो है उसका नाम आता है, लिख लीजिए, टेरिडोफाइटा। इंग्लिश में भी लिख देते हैं, पी साइलेंट होता है, PTERIDOPHYTA। ये क्या हो गया? टेरिडोफाइटा। और उसके बाद दूसरा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा हुआ है, आनावृत बीजी, जिसको कहा जाता है जाइम्नोस्पर्म। और इसके बाद तीसरा होता है आपका आवृत बीजी जो है किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है आपको एगियोस्पर्म को कहा जाता है। तो देखिए, फिर से सुनने का प्रयास करिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन कह रहा था कि जिन पादपों में भोजन व जल के संवहन के लिए संवहन तंत्र पाया जाता है, वे किस पादप संघ के अंतर्गत आते हैं? ये ट्रैकियोफाइटा संघ के अंतर्गत आते हैं। क्यों? इसका कारण मैंने आपको बताया कि जिन पादपों में भोजन व जल के संवहन के लिए जाइलम तथा फ्लोएम नामक संवहनी ऊतक का प्रयोग करते हैं या संवहनी ऊतक पाए जाते हैं, उन्हें ट्रैकियोफाइटा नामक पादप संघ के अंतर्गत रखा जाता है। ट्रैकियोफाइटा संघ को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। ऐसे हमारे साथी जो चैनल पर नए हैं उनको बताना चाहूँगा, इसका आप PDF भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के द्वारा या आप हमारे टेलीग्राम चैनल SP शुक्ला एजुकेट से जुड़ करके इसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर चर्चा करते हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित जीवों तथा उनसे संबंधित संघ को सुमेलित करना है। कौन सा जीव किस संघ के अंतर्गत आता है, उसको मिलाना है। तो देखो, केचुआ की बात करते हैं, केचुआ ये किसके अंतर्गत आता है इसके बारे में बात करते हैं। देखो, संघ एनेलिडा यहाँ लिख रहा है, केचुआ ये लिखा, देखिए लिखा है एनेलिडा। तो बताना चाहूँगा, संघ एनेलिडा में खंडयुक्त अथवा वलय रिंग्स जैसी संरचना वाले जंतु शामिल किए जाते हैं। ये कभी कभी पूछा जाता है कितने लिंगी के होते हैं, तो ये जो होते हैं कहीं 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 पर आप देखेंगे एक लिंगी तथा
उभयलिंगी, एक लिंगी तथा उभयलिंगी, उभय लिंगी, एक लिंगी तथा उभय लिंगी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। उदाहरण में आपका क्या हो गया, केचुआ, यानी ऑप्शन ए में सही जवाब क्या हो गया, थर्ड। अब ऑप्शन ए में देखो थर्ड कहाँ है, बी में भी मिल रहा है और डी में भी मिल रहा है। अब बात करते हैं मकड़ी की, तो मकड़ी ये संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है, यानी बी में कौन सा सही होगा, ए होगा आर्थ्रोपोडा। तो देखो फ्रेंड्स, संघ आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। एक तो आप ये जान जाओ, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा संघ कौन सा है, सबसे बड़ा संघ कौन सा संघ की बात कर रहा हूं, जंतु जगत के सबसे बड़े संघ की बात आएगी, तो संघ आर्थ्रोपोडा का नाम आता है, जिसमें लगभग 10 लाख जंतु शामिल हैं। इनका शरीर जो होता है, सिर, हेड, वच, थ्रॉक्स तथा उदर, एब्डोमेन में विभाजित होता है। उदाहरण में जैसे कि आपका मकड़ी तो हो ही गया, मकड़ी के साथ साथ केकड़ा, मधुमक्खी, मच्छर, ये सब के सब जीव जो हैं आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत ही आते हैं। यानी अब आपका देखना है कि बी में कौन सा सही होगा, एक। तो देखो, क्योंकि ऑप्शन ए और ऑप्शन ये तो कट ही गया था, अब दो ही ऑप्शन चेक करना है, ऑप्शन बी और डी। बी में एक यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ दो मिल रहा है, दो नहीं होना चाहिए था, एक होना चाहिए था, यानी ये भी ऑप्शन कट गया। इसके आधार पर हम आप डायरेक्ट आंसर बता सकते थे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी। फिर भी हम आगे तक चर्चा करते हैं। बात अब करते हैं हम सीप की, किसकी बात करेंगे, सीप। तो सीप ये आता है संघ मोलस्का आके, संघ मोलस्का अकशेरुकी। तो यहां तो देखो दिया है डायरेक्ट मोलस्का, तो आप ये जान जाओ सी में कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी होगा, मोलस्का। मोलस्का मित्र, संघ मोलस्का अकशेरुकी तथा कशेरुकी जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है। अगर आपसे क्वेश्चन कहे कि अकशेरुकी या कशेरुकी जंतुओं का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो मोलस्का है, जिसमें कोमल शरीर एवं कवच, कवच का मतलब समझते हैं ना, सेल वाले जंतु शामिल किए जाते हैं। उदाहरण में सीप भी आ जाएगा, ऑक्टोपोसस, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस आपने देखा होगा कभी कभी पूछा है एग्जाम में, तो ऑक्टोपस भी इसी के अंतर्गत आता है। यानी सी में कौन सा सही होना चाहिए, सेकेंड होना चाहिए, ये हो गया। मेढक बचा अब लास्ट में, तो ये बचा है और ये कॉर्डेटा, तो बिल्कुल संघ कॉर्डेटा, संघ कॉर्डेटा के जीवों में शरीर के अंतर गत या फिर शरीर अंग तंत्र पूर्ण विकसित होते हैं। इनका जीवन चक्र में किसी न किसी अवस्था में एक पृष्ठ रज्जु, जिसको कहते हैं डोर्सल नर्व कॉर्ड, पाई जाती है। उदाहरण में मेढक हो गया, मछली हो गया, मनुष्य भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। कॉर्डेटा के अंतर्गत मनुष्य भी आता है, मछलियां भी आती हैं, मेढक भी आते हैं। यानी आपसे पूछा जाएगा अगर क्वेश्चन, तो आप आगे से बता लोगे, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न इससे निकल के आते हैं। ये जीव विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था इनके बारे में, जिसमें हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताया भी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब तो ऑप्शन बी पहले से ही बता दिया। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर छठे के बाद क्वेश्चन नंबर सातवें पर। क्वेश्चन नंबर सातवां आपके स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है, संघ सिलेंट्रेटा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है संघ सिलेंट्रेटा फॉयलम कोलेन टेरटा के जीवों का सर्वप्रमुख लक्षण है, अभी अभी पढ़ा हमने। तो देखो मित्र, संघ सिलेंट्रेटा के जीवों के शरीर में एक ही गुहा, एक ही गुहा, गुहा का मतलब क्या होता है, कैविटी पाई जाती है, जिसे अंतर गुहा भी कहा जाता है। अंतर गुहा, ये जो आप देख रहे हो ना, ये कोलेंटेरटा, ये कहने का मतलब ये गुहा, अंतर गुहा ही कहते हैं हिंदी में, कहते हैं। इनके मुख्य यानी अंतर गुहा आप इसमें देखेंगे तो कहाँ है, शरीर में अंतर गुहा की उपस्थिति, तो यही आपका ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। इनके मुख के चारों ओर लंबे संस्पर्शक, संस्पर्शक कहने का मतलब क्या होता है, टेंटेकल्स पाए जाते हैं। इनमें मस्तिष्क, सिर, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र तथा परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है। उदाहरण जैसे आपका हो गया हाइड्रा हो गया, बहुत बार पूछा है, क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रा इसी के अंतर्गत आ जाएगा। या फिर आप जैसे देखेंगे समुद्री, समुद्री एनीमोन,
समुद्री एनीमोन को भी इसी के अंतर्गत रखा जाता है, आदि हो जाएंगे। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा मित्र, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आठवें पर। क्वेश्चन नंबर आठवां आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कह रहा है प्रश्न, अनियत तापी जंतु कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की श्रेणी में आते हैं, यानी अनियत तापी जंतु मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल इंग्लिश में बोलते हैं के अंतर्गत यानी कौन से श्रेणी के जंतु आते हैं। तो बताना चाहूंगा ऐसे जंतु जो वातावरण के ताप के अनुसार अपने शरीर का ताप नियंत्रित कर लेते हैं, अनियत तापी जंतु कहलाते हैं। इनके अंतर्गत अगर देखा जाए, पहला ऑप्शन दिया है मत्स्य, तो बिल्कुल मछलियां देखते हैं आप, ठंडी में भी उसी जल में रहती हैं, गर्मियों में भी जल को आप उसी हिसाब से बना लेती हैं। उभयचर जो जंतु होते हैं वो भी इसी तरीके से होते हैं। सरीसृप वर्ग के अंतर्गत जितने भी जीव शामिल किए गए हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो कहने का मतलब क्या होना चाहिए, इसका तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके विपरीत जिन जंतुओं के शरीर का ताप एक निश्चित स्तर पर स्थिर रहता है वे नियत तापी जंतु, अगर वे नियत तापी जंतु कहलाएंगे तो उनको कहा जाता है वार्म ब्लडेड एनिमल कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन से लोग आते हैं, जैसे आप देखेंगे पंछियों को आप देखेंगे एक ही मौसम होता है, नियत तापी जंतु इसीलिए कहा जाते हैं, पंछी हो गया, या स्तनधारी जंतु जो होते हैं, स्तनधारी वर्ग जो होते हैं इनको शामिल किया जाता है। आया समझ में कि नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब तो ऑप्शन डी हो ही जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आठ के बाद क्वेश्चन नंबर नौवें पर। मछली का वाताशय एयर ब्लैडर किस रूप में कार्य करता है। तो मछली का वाताशय एयर ब्लैडर या जिसको स्विम ब्लैडर भी कहा जाता है एक सहायक श्वसन अंग है। क्या होता है मित्र, यहाँ देखिए ऑप्शन सी दिया है, सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग दोनों के रूप में। तो बिल्कुल सहायक श्वसन अंग कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, रिस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में आप पढ़ रहे हैं, मैम पढ़ा रही हैं, तो वही एसेसरी रिस्पिरेटरी ऑर्गन तथा द्रव स्थैतिक अंग का मतलब होता है हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन दोनों के रूप में कार्य करती है। यह मछलियों की देह गुहा का मतलब बॉडी कैविटी में स्थित होता है, जिनमें वायुमुक्तया ऑक्सीजन भरी रहती है। इसके कारण मछलियां बिना डूबे अथवा सतह पर आए बिना जल में एक निश्चित गहराई पर बनी रहती हैं, यानी जहां चाहती हैं वहीं उसी स्थिति को बनाए रख लेती हैं। ये कारण इसका क्या होता है, यही होता है, यानी क्वेश्चन नंबर नौ का सही जवाब ऑप्शन सी हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नौ के बाद क्वेश्चन नंबर दसवें पर। क्वेश्चन नंबर दस आपकी स्क्रीन पर है। भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है। भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। क्या है फ्रेंड्स, बाघ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइगर। क्या बोलते हैं, टाइगर। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ अर्थात टाइगर है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस। कौन सा नाम है, पैंथेरा टाइग्रिस, यानी ये हो गया पैंथेरा टाइग्रिस, ऑप्शन बी पैंथेरा टाइग्रिस है। भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में यह भारत की वन्य जीव संपदा का प्रतीक है। विश्व के लगभग दो तिहाई बाघ भारत में पाए जाते हैं। बाघों के संरक्षण के लिए वर्ष 1973 में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था, वर्ष 1973 यानी 1973 में क्या किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है। वह अकशेरुकीय जंतु जो उभयलिंगी नहीं है। कैसा नहीं है, उभयलिंगी नहीं है। तो देखो फ्रेंड्स, फीता कृमि उसी में आता है, हाइड्रा अभी भी बता दिया, केचुआ भी आपको बता दिया, उभयलिंग नहीं है, तो ये आपका है कॉकरोच।
कॉकरोच अथवा जिसको आप जो है गांव में देखते हो, क्या कहते हो, कई लोग कहते हो तिलचट्टा, क्या बोलते भैया तिलचट्टा, वैसे अलग होता है कॉकरोच और तिलचट्टा, लेकिन दोनों एक ही प्रजाति के होते हैं। तो देखो कॉकरोच अथवा तिलचट्टा आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है। तो ये किस जंत किसके अंतर्गत आता है पहले तो ये जान जाओ, ये आपका आता है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है। कौन से संघ का जंतु है? आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है। इस संघ के जंतु प्रायः जो होते हैं एक लिंगी, एक लिंगी, एक लिंगी कहने का मतलब आप समझते हैं यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल होते हैं। कैसा होता है? यूनिसेक्सुअल होते हैं। इनका शरीर त्रिस्तरीय संरचना, यानी त्रिस्तरीय संरचना में आप देखेंगे तो सबसे पहले आपका हो गया सिर, सिर के बाद हो गया वक्ष, वक्ष के बाद क्या होता है उदर भी होता है, यानी उदर में विभाजित होता है। इनके जीवन चक्र की प्रारंभिक अवस्था लार्वा अवस्था होती है। तो आपसे प्रारंभिक अवस्था की अगर बात करेगा कि इनकी प्रारंभिक अवस्था क्या होती है, तो इनकी प्रारंभिक अवस्था जो होती है उसको लार्वा अवस्था कहा जाता है या लार्वा अवस्था होती है। बाद में ये विकसित होकर वयस्कों यानी एडल्ट्स में परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें? एडल्ट्स में परिवर्तित हो जाते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। कॉड निम्न में से किसकी प्रजाति है? देखिए बातें बहुत कम करेंगे, केवल काम पर फोकस करेंगे, क्योंकि काम ही इतना ज़्यादा है कि काम करते रहेंगे तो बात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए ऐसे हमारे साथी, ऐसे हमारे विद्वान साथी, ऐसे हमारे छात्र एवं छात्राएं जो जुड़ते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करने में कोई कंजूसी ना करें और जवाब भी देने का प्रयास किया करिए। आइए कॉड निम्न में से किसकी प्रजाति है? तो कॉड जो है गैडस वंश, किसके अंतर्गत आती है? पहले तो आपसे कभी कभी ये पूछा जाता है कि किस वंश के अंतर्गत आती है? गैडस वंश। अब ये गैडस क्या है, आप बच्चे सोचेंगे कि गुरुजी गैडस वंश क्या होता है? गैडस वंश, वैसे ये जीनस गैडस, गैडस वंश की मछलियों का सामान्य नाम है, यानी मछलियों के ही सामान्य नाम है जो सामान्यतः समुद्रों अथवा झीलों की तलहटी में रहती है। कॉड वाणिज्यिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण मछली है। इसकी मुख्यतः तीन प्रजातियां पाई जाती हैं, अटलांटिक कॉड, पैसिफिक कॉड तथा ग्रीनलैंड कॉड। तो तीन प्रजातियां पाई जाती हैं, लिख लेते हैं तीनों प्रजातियों के नाम। पहले अटलांटिक, अटलांटिक कॉड पहला हो गया, अटलांटिक कॉड। दूसरा होता है आपका पैसिफिक, पैसिफिक कॉड, कौन सा कॉड भैया? पैसिफिक कॉड। और उसके बाद तीसरा होता है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड कॉड, ग्रीनलैंड कॉड। तो तीन तरीके से ये होता है, यानी ये क्या है? मछली है। ये तो अब आपको क्लियर ही हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे। अब यहाँ पर आपको बताना है जो कोशिका सिद्धांत आई आपकी, तो कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक का नाम, कोशिका सिद्धांत जिसको इंग्लिश वाले भैया जान जाओ सेल थ्योरी, क्या कहते हैं? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? कभी कभी ऐसे भी प्रश्न बन सकता है, तो प्रतिपादन इसका एमजे स्लाइडेन, किसने? एमजे स्लाइडेन तथा थियोडार स्वान। एमजे स्लाइडेन एवं रॉबर्ट हुक दिया गलत, इधर थियोडार स्वान एवं विर्चो नहीं थे इसके कारण गलत, एमजे स्लाइडेन एवं थियोडार स्वान ये दोनों सही हैं, रॉबर्ट हुक एवं पोरगंजी ये गलत है। यानी इस क्वेश्चन का तो आपको आंसर मिल गया सी होना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों यानी जंतु प्लस पादप का शरीर एक अथवा अधिक कोशिकाओं से निर्मित है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक कोशिका एक स्वतंत्र इकाई होती है तथा शरीर की सभी कोशिकाएं सामूहिक रूप से कार्य करती हैं। कोशिका की उत्पत्ति में केंद्रक यानी न्यूक्लियस प्रमुख भूमिका निभाता है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर
हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पर कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। किसकी बात कर रहा है यहाँ पर? कोशिका सिद्धांत के अपवाद की बात की जा रही है। विषाणु दिख रहा है, विषाणु को बोलते हैं वायरस। क्या? वायरस प्रारंभिक सूक्ष्म जीवी प्रिमेटिव ऑर्गेनिज्म हैं जो कोशिका की एक अवस्था तक नहीं पहुंच सके हैं, अर्थात इनमें कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, इसीलिए कोशिका सिद्धांत के तथ्य इन पर लागू नहीं होते। विषाणु अत्यंत सूक्ष्म संक्रामक परजीवी इन्फेक्शंस पैरासाइट हैं जो जीवित कोशिकाओं के भीतर होकर स्वयं की प्रतिकृति रिप्लिका बनाते हैं। नहीं, जैसे मान लो आपके शरीर में आए तो खुजलाहट आपको होने लगेगा ना, वो क्या है, वो होते उसी फॉर्म में, लेकिन जिसमें जाते हैं उसी को एक तरीके से उसी रूप को धारण करके उसी से काम करवाने लगते हैं। यानी कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या हो गया? वायरस हो गया, विषाणु हो गया। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो गया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 पर मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका की बात की जा रही है। देखिए, जीवन की मूलभूत इकाई की अगर बात आती है तो बात किसकी आती है? कोशिका की। कोशिका समस्त जीवों की शारीरिक व्यवस्था की मूलभूत इकाई होती है, यानी संरचनात्मक, मूलभूत संरचना यानी स्ट्रक्चरल, कार्यात्मक कहने का मतलब होता है ऑपरेशनल इकाई होती है। अब कोशिका की खोज किसने किया तो इससे भी बड़े प्रश्न बनते हैं। कोशिका की खोज वर्ष 1665 ईस्वी में, डायरेक्ट पूछा जाता है इसलिए मैं बता दे रहा हूं थोड़ा सा, वर्ष 1665 ईस्वी में किसने किया था? भैया रॉबर्ट हुक का नाम आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। क्वेश्चन आपका आप क्या कह रहा है कि सबसे छोटी, यहां पर पूछा क्या जा रहा है, सबसे छोटी कोशिका के बारे में क्वेश्चन आपसे कह रहा है। तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है। क्या होती है? शुक्राणु होती है, जिसको हम स्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। जबकि सबसे बड़ी कोशिका जो होती है अंडाणु होती है। ये अंडाणु जिसको हम क्या कहते हैं? ओवम, ओएम है। प्रकृति में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, अगर आपसे प्रकृति की बात करता है जैसा कि पिछले प्रश्न में पूछा था, तो प्रकृति की जब बात करती है तो प्रकृति में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है, जबकि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की बात आती है। उसको भी लिख ही देता हूं। देखो प्रकृति में कहां पर, ये लिख लीजिए पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रकृति में पाए जाने वाली अगर आपसे पूछेगा सबसे छोटी कोशिका की, अभी जैसा कि ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका पहला ही प्रश्न शायद था, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा गैलीस सेप्टिकम, ये हो गया आपका। ये क्या है? प्रकृति में पाए जाने वाली, पहला प्रश्न छोटी। और दूसरा, सबसे बड़ी कोशिका की जब बात करेगा तो बड़ी कोशिका जो होती है ये होता है आपका शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा है। यानी अब आपसे देखो, आइए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था? मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होता है, जिसको स्पर्म। शुक्राणु का मतलब आप समझते हैं, जब एक पति पत्नी या एक जो है आदमी जब रिलेशंस बनाता है, संबंध बनाता है, तो पहली प्रतिक्रिया में जो स्पर्म होता है उसी को शुक्राणु कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। वह सबसे छोटी कोशिका होती है और वो ही स्पर्म जब बड़ा होकर के एक बच्चे का रूप धारण करता है, बच्चा होने के पहले की जो सिचुएशन बनाता है उसी को अंडाणु कहता है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु हुई, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु हुआ। प्रकृति की बात जब करेगा तो प्रकृति मतलब पूरे इस एनवायरनमेंट की बात, पूरे नेचुरल की बात करेगा, नेचर की बात करेगा, तो वहां पर सबसे छोटी कोशिका जो होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होती है, जबकि सबसे बड़ी कोशिका जो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। शुतुरमुर्ग क्या है? जानवर है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16वें पर, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा
कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अब लीजिए, पादप कोशिका में तो पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, आपको ऑप्शन ए ही दिख रहा है, हरित लवक। बिल्कुल, हरित लवक पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले लवक का एक प्रकार है। लवक का मतलब आप समझते हैं, जिसको कहते हैं प्लास्टिड्स। क्या कहते हैं? प्लास्टिड्स। केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। इनके प्रकार कभी कभी पूछे जाते हैं कितने होते हैं, तो इनके तीन प्रकार होते हैं, तो कहिए लिख देता हूं। पहला प्रकार हो गया आपका आवरणी लवक। कौन सा लवक हुआ? पहला प्रकार हुआ आवरणी लवक, जिसको कहते हैं लियोकोप्लास्ट। और उसके बाद दूसरा होता है आपका वर्णी लवक। अवर्णी लवक, फिर उसके बाद हो गया वर्णी लवक। वर्णी लवक को हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्या कहा जाता है? क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा जो होता है, यही जो लिखा हुआ है आपका हरित लवक। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्या है? तीन लवक हैं। लवक लवक लिख दीजिए, यहां लिख देता हूं। लवक को इंग्लिश में कहते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स के कितने प्रकार होते हैं? तीन, आवरणी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। हरित लवक एक ऐसा लवक है जिसके अंतर्गत केवल और केवल क्या होता है? पादप कोशिकाएं पाई जाती हैं, जबकि जंतु कोशिका नहीं पाई जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 में पर। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? अन्य किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो बिल्कुल मित्रों, यहां पर दिख रहा है आपको माइटोकांड्रिया। डीएनए कभी कभी का आपसे फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो पहले तो फुल फॉर्म आप इसको लिखो, डीऑक्सी। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर एग्जाम, वनडे एग्जाम की बात करता हूं, तो वहां पर डायरेक्ट आपसे फुल फॉर्म पूछ लेता है, डीऑक्सी राइबो राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एक आनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल्स है जो माता पिता के जैविक गुणों को संतानों में हस्तांतरित करता है। डीएनए जंतु एवं पादप कोशिकाओं के केंद्रक तथा कहां कहां पाया जाता है? केंद्रक तथा माइटोकांड्रिया में पाया जाता है, यानी माइटोकांड्रिया के साथ साथ यह केंद्रक में भी पाया जाता है। अगर ऑप्शन में केंद्रक दिया होता, मान लीजिए माइटोकांड्रिया नहीं होता, तो हम केंद्रक मार लेते। इसके अतिरिक्त ये पादपों एवं शैवालों की कोशिकाओं में उपस्थिति पर्ण हरित क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो गया। आइए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 18 कह क्या रहा है? एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त किए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त किए जाते हैं, तो एंटीबायोटिक्स कितने पाए जाते हैं? अधिकांशतः प्राप्त किए जाते हैं, प्रतिजैविक, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स एक ऐसा पदार्थ है या यौगिक होता है जो जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। किसको नष्ट करता है? जीवाणुओं को नष्ट कर देता है तथा उनकी वृद्धि को रोकता है। अधिकांशतः एंटीबायोटिक्स जो होता है ये कवकों में ही पाया जाता है। किसमें पाया जाता है फ्रेंड्स? कवकों के अंतर्गत या कवकों में पाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन हो गया। आइए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है ऐसे पौधे जिनके बीज के चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता है कहलाते हैं। ऐसे पौधे, क्वेश्चन बहुत गौर से सुनिए, ऐसे पौधे जिनके बीज के चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता है वे कहलाते हैं। अभी अभी हमने इनके प्रकार में आपको बताया हुआ था, पीछे थोड़ा सा चर्चा भी किया था। तो अनावृत बीजी, देखिए मैंने लिखा हुआ था, याद होगा अगर आपको, तो ये बताना चाहूंगा आपको अनावृत बीजी।
जिन पौधों के बीज के चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता है उन्हें अनावृत बीजी। इंग्लिश मीडियम वाले सोच रहे होंगे कि ये अनावृत होता क्या है, तो लिख लो भैया जाइमनोस्पर्म। जाइमनोस्पर्म अभी भी लिखा हुआ था, थोड़ा सा पहले क्वेश्चन आया हुआ था ना। तो देखो अनावृत बीजी जाइमनोस्पर्म जो होते हैं, ऐसे याद कर लो कि जिन पौधों के बीज के चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता है वे अनावृत बीजी जाइमनोस्पर्म कहलाते हैं। इन पर पुष्प नहीं आते हैं। इनके जननांग प्रायः एक लिंगी होते हैं। इनका परागण जो होता है, पॉलिनेशन जो होता है, वायु द्वारा होता है। जैसे हम उदाहरण में बहुत सारा पूछा जाता है, जैसे आप कहोगे चीड़, चीड़ का मतलब पाइन, पाइन हो गया पाइन। देवदार, देवदार, देवदार का मतलब होता है सीडार, सीडार। फर, फर, एफ आई आर, फर। उसके बाद हो गया आपका स्प्रूस, स्प्रूस, स्प्रूस। आदि अनावृत बीजी पादपों के प्रमुख उदाहरण हैं, ये भी आप देख सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो गया फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो गया। आइए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20वां आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस पादप एवं उनके उसके जड़ रूप का सही सुमेल नहीं है। यहाँ क्या दिया हुआ है कि सही सुमेलित नहीं है, यानी पादपों का उनके जड़ों के साथ मेल कराना था और जो कि सही नहीं दिया है। आइए बात कर लेते हैं। डहेलिया पुलकित जड़े, डहेलिया जो है, थोड़ा सा इसमें स्पेस नहीं दिया है, स्पेस आप बना लीजिए। डहेलिया जो होता है ये क्या है आपकी पुलकित जड़े हैं, जड़े हैं पुलकित जड़े, यानी फैसी क्यूलेटेड रूट्स हैं। बिल्कुल ये सही है, डहेलिया पुलकित जड़े आती हैं। बरगद और रबड़ जो होता है ये स्तंभ मूल, स्तंभ मूल यानी प्रॉप रूट्स के अंतर्गत आते हैं, ये भी सही है। मक्का और गन्ना ये अप स्तंभ मूल स्टिल्ट रूट्स, स्टिल्ट रूट्स के अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल ये भी आपका सही है। आम अदरक दिया है कंदिल जड़े, ये क्या है फ्रेंड्स गलत है। आम अदरक जो होता है, यानी मैंगो और जिंजर की बात हो रहा है, हल्दी की बात कर लूँ इसी में, हाँ आपका टर्मेटिक हो गया, ये सभी जो होती हैं ग्रंथिल जड़े होती हैं। कौन सी जड़े होती हैं ये आप नोट कर लीजिए, आपसे पूछा जाएगा तो आप जानते रहेंगे। ग्रंथिल जड़ों, ग्रंथिल जड़ों इंग्लिश में बोलते हैं जिसको नूडल्स रूट्स का उदाहरण है। ये अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरित स्वरूप हैं जिनमें जड़ें फूल कर मांसल हो जाती हैं। तो ये देखिए आम अदरक में क्या हो जाएगा कंदिल जड़े नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा मित्र ग्रंथिल जड़ हो जाएगा, यानी नूडल्स रूट्स हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का सही सुमेलित नहीं था कौन सा ऑप्शन डी। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बाद, क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21वां आपके स्क्रीन पर है। सूची एक तथा सूची दो को सुमेलित करना है। देखिए इस सेशन में हर एक सेशन में 40 प्रश्न होते हैं, तो इस सेशन में 20 प्रश्न हो चुका है बच्चों। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऐसे हमारे साथी जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसका पीडीएफ आप दिन प्रतिदिन जैसे जैसे क्लासेस होती हैं उसको आप क्लास के जस्ट बाद ही, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आइए क्लास पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21वां कह क्या रहा है, कंकाल तंत्र से पूछा गया क्वेश्चन है, सूची एक तथा सूची दो को मिलाना है। देखिए यहां पर दिया है मानव खोपड़ी, मानव खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं। स्कल की बात कर रहा है तो मानव खोपड़ी में टोटल 29 अस्थियां पाई जाती हैं, यानी 29 अस्थियां पाई जाती हैं। यानी ए में कौन सा सही होना चाहिए, तीन, ए में सही होना चाहिए तीन। अब यानी यहां से तो हम आंसर ही निकाल लिए कि आपका तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फिर भी हम जानते हुए चलेंगे, जान लीजिए बहुत अच्छे से काम आएगा। मानव खोपड़ी में यानी स्कल में टोटल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 29 अस्थियां। मेरुदंड की बात होती है, मेरुदंड में टोटल 33 अस्थियां पाई जाती हैं, यानी आपका जो है बी में 4 होना चाहिए।
पसलियां जो होती हैं, रिप्स जो होती हैं, इसमें 24 अस्थियां पाई जाती हैं, यानी इसमें सेकंड होना चाहिए। और उरोस्थि जो है, उरोस्थि में एक अस्थि पाई जाती है, यानी ये हो गया। यानी इस क्वेश्चन का तो सही जवाब ऑप्शन सी हो गया, आपको पता होना चाहिए था। ये सही है, समझ में आई कि नहीं? वैसे अगर आपसे नॉर्मली आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, तो एक वयस्क मनुष्य जो होता है उसमें टोटल 206 अस्थियां पाई जाती हैं, जबकि शैशव काल में लगभग 300 अस्थियां पाई जाती हैं। तो कभी कभी पूछा जाता है, अगर मान लीजिए, लिख लीजिए मेरे साथ चाहे आप, वयस्क मनुष्य की बात करेगा तो 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं, लेकिन अगर आपसे पूछे शैशव काल में, शैशव काल मतलब आप समझते हैं ना, शिशुओं के बारे में पूछा जा रहा है, शैशव काल में लगभग कितनी अस्थियां होती हैं, तो 300 अस्थियां मतलब बोन्स, वही हड्डी की ही बात कर रहा हूं, नहीं तो आप सोचो कि कुछ और प्रश्न की बात मैं कर रहा हूं। आइए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22वां स्क्रीन पर। फॉल्स रिप्स तथा फ्लोटिंग रिप्स किस अंग में पाई जाती हैं? फॉल्स रिप्स तथा फ्लोटिंग रिप्स किस अंग में पाई जाती हैं? तो बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, मनुष्य में 12 जोड़ी वंशीय पिंजर आपको दिख रहा है। देखिए, पहले थोड़ा सा एक एक चीज को समझते हुए चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हड्डियों के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। और मनुष्य में 12 जोड़ी कुल 24 पसलियां पाई जाती हैं, कितनी? 12 जोड़ी, अभी भी पीछे बताया आपको 12 जोड़ी, जोड़ी का मतलब आप समझते हैं 12 × 2 बराबर कितना हो गया, यानी 24 क्या पाई जाती हैं, ये पसलियां। मनुष्य में कितनी पसलियां पाई जाती हैं? 24 पसलियां पाई जाती हैं। प्रथम 7 जोड़ी पसलियां वक्ष के सामने होती हैं, जिसको क्या कहते हैं? उरोस्थि, उरोस्थि स्टर्नम, स्टर्नम से कौन सी? प्रथम 7 और पीछे मेरुदंड की, पीछे मेरुदंड की कशेरुकी से जुड़ी होती हैं, परंतु 8वें अगर बात करें, 8वें 9वें एवं 10वें जोड़े की पसलियां उरोस्थि से ना जुड़कर अपने ऊपर की पसलियों से जुड़ी होती हैं। कौन कौन सी पसलियां? 8वां 9वां एवं 10वां जो पसली होती है, यह अपनी उरोस्थि से ना जुड़ करके अपने ऊपर की पसलियों से जुड़ी होती हैं, इसीलिए इन्हें फॉल्स रिप्स, इनको क्या कहा जाता है, ये भी नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। इसीलिए यही कारण है कि इनको फॉल्स रिप्स क्या कहा जाता है? फॉल्स रिप्स, या हिंदी में कहते हैं इसको गौण पसलियां। कौन सी पसलियां? गौड़ पसलियां, सेकेंडरी, गौड़ का मतलब आप समझते हो ना, सेकेंडरी पसलियां कहा जाता है। अब देखो, 8वें 9वें 10वें की बात तो कर लिया, बचा आपका 11वां, और क्योंकि 12 जोड़ी होते हैं, शुरू के 7 तो मैंने बता दिया, शुरू के 7 जो होते हैं, यानी प्रथम 7 जोड़ी पसलियां वक्ष के सामने, यानी उरोस्थि स्टर्नम से, और पीछे मेरुदंड की कशेरुका वर्टेब्रा से जुड़ी होती हैं, परंतु 8वें 9वें एवं 10वें जोड़े की पसलियां उरोस्थि से ना जुड़कर अपने ऊपर की पसलियों से जुड़ी होती हैं, इसीलिए इन्हें फॉल्स रिप्स या गौड़ पसलियां सेकेंडरी कहा जाता है। अब बात आती है 11वें एवं 12वें की, तो आपको बताना चाहूंगा 11वें एवं 12वें, यानी 11वें एवं 12वें जोड़े की पसलियां केवल और केवल मेरुदंड से ही जुड़ी होती हैं। किससे जुड़ी होती हैं मित्र? ये मेरुदंड से जुड़ी होती हैं। किससे जुड़ी होती हैं? मेरुदंड से जुड़ी होती हैं, और इनका अग्रसिरा मुक्त होता है, इसीलिए इन्हें तैरती पसलियां या फ्लोटिंग रिप्स भी कहा जाता है। तो मेरुदंड के अंतर्गत 11वीं एवं 12वीं पसली जुड़ी होती है, समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन क्या कर रहा था, फॉल्स रिप्स तथा फ्लोटिंग रिप्स किस अंग में पाई जाती है? तो ये जो आपका वक्षीय पिंजर है,
वक्षीय पिंजर के अंतर्गत ही फॉल्स रिफ्स या गौण पसलियां पाई जाती हैं। हमने कारण बता दिया, आठवें नौवें एवं दसवें ये जो पिंजर होता है जिसको हिंदी में कहते हैं वक्षीय पिंजर कहा जाता है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, अच्छे से जानते हुए चलिए आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23, सूची एक तथा सूची दो को सुमेलित करना है, मिलाना है। आइए मिलाते हैं, देखते हैं कौन किसके साथ मिक्स कर रहा है। उरोस्थि ब्रिस्ट की बात कर रहा, अभी अभी आया था। उरोस्थि ब्रिस्ट बोन जो होती है इसको कहां से जुड़ती है, स्टर्नम। अभी भी मैंने पहले बताया ऊपर ही प्रश्न में, तो ये क्या हो गया, उरोस्थि ब्रिस्ट स्टर्नम। कितने हड्डियां उरोस्थि के अंतर्गत आती हैं, प्रथम की 7 पसलियां जो होती हैं। तो ए में कौन सा सही हो गया, 4, ए में 4, देखो यहां भी है यहां भी है, यानी आपका 2 ऑप्शन तो कट्टम खुट। फिर बात करते हैं उरोस्थि के बाद बात आती है कॉलर बोन की, जत्रुक की बात आती है। कॉलर बोन यानी जत्रुक क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो देखो कॉलर बोन जो होता है इसके अंतर्गत क्लेविकल, क्लेविकल आती है, यानी इसमें कौन सा होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो बी में एक यहाँ भी है यहाँ भी है। फिर इसके बाद है जानुफलक, जानुफलक मतलब नी कैप, नी कैप में पैटेला आ जाता है। कौन सा आता है, पैटेला आता है, यानी सेकंड होना चाहिए। यहाँ थर्ड, यहाँ क्या है आपका थर्ड दिया जा रहा है, इसके कारण ये गलत हो गया, यहाँ सेकंड दे रहा है। स्कंद फलक जो बचा आपका ये क्या हो जाएगा, स्कैपुला हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बताइए बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत प्यार से एक एक क्वेश्चन को, जब तक एक सिंसियर स्टूडेंट्स, एक अच्छा बच्चा ही एक अच्छी क्लास की महत्व को पहचान सकता है, वही इसकी कीमत को समझ सकता है, और जो समझ सकता है वही आगे बढ़ सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, क्लास नोट्स करते चलिए। क्लास प्रत्येक दिवस इसी समय पर चलती हैं, क्लास में ज़रूर आप लोग हाजिर रहिए, इसका बेनिफिट आपको मिलता रहेगा अलग अलग सब्जेक्ट के माध्यम से। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 24। श्वासोच्छ्वास ब्रीथिंग की क्रिया में किस घटक की मात्रा अपरिवर्तनीय रहती है या अपरिवर्तित रहती है। यहाँ छोटा था मात्रा, स्पेलिंग गलत हो गई, यहाँ बड़ी ई होनी चाहिए थी, फिर भी देखिए श्वासोच्छ्वास ब्रीथिंग की क्रिया में किस घटक की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। तो मित्रों बताना चाहूँगा, थोड़ा सा अगर हम प्रैक्टिकल करें तो ये ऑप्शन आएगा सी, नाइट्रोजन। कौन सा, नाइट्रोजन। श्वासोच्छ्वास की क्रिया निम्नलिखित 2 चरणों में पूर्ण होती है। कितने चरण होते हैं पहले तो ये जान जाओ, 2 चरण होता है। पहला चरण जो होता है इसको कहा जाता है निःश्वसन, निःश्वसन क्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन। और दूसरा जो होता है, ये इंस्पिरेशन जो होता है और दूसरा जो होता है, पहले इसको देख लेते हैं फिर हम इनके बारे में आपको बताते हैं। दूसरा जो होता है इसको कहते हैं उच्छ्वसन, उच्छ्वसन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपीरेशन, एक्सपीरेशन। देखिए अब इस पर चर्चा कर लेते हैं, ये जो निःश्वसन है, इंस्पिरेशन, वातावरण की वायु श्वसन मार्ग से फेफड़ों में पहुंचना, ग्रहण की गई इस वायु में नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन जो होता है कितना, N2O, नाइट्रोजन कितना 79%, ऑक्सीजन कितना 21%, कार्बन डाइऑक्साइड की बात आती है, वैसे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन की मात्रा केवल देखा जाए तो कार्बन होता है 0.03% होती है। देखिए निःश्वसन में नाइट्रोजन 79%, ऑक्सीजन 21% और उसके बाद कार्बन 0.03% होती है। फिर जब बात आती है उच्छ्वसन, उच्छ्वसन यानी एक्सपीरेशन, एक्सपीरेशन शरीर से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु का वातावरण में मुक्त होना, शरीर से निष्कासित इस वायु में, जो शरीर से निष्कासित किया जाता है, नाइट्रोजन N2 की बात करें अगर, नाइट्रोजन तो 79% ही होता है, नाइट्रोजन 79%, और ऑक्सीजन जो मुक्त होती है अगर उसकी बात करते हैं तो ऑक्सीजन 17% हो जाता है, और कार्बन जो हमारा शरीर बॉडी मुक्त करता है वो 4% होती है।
अब यहां से क्वेश्चन आपसे कह रहा है का श्वासोच्छ्वास ब्रीथिंग की क्रिया में किस घटक की मात्रा अपरिवर्तन रहती है, यानी किस में परिवर्तन नहीं होता है। आप देखो श्वासोच्छ्वास की क्रिया में आप देख रहे हो कि नाइट्रोजन यहां पर भी 79% था और यहां पर भी 79%, इसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन यहां 21% था, यहां 17% पे आ गया। कार्बन यहां पर 0.03% था, यहां कार्बन 4% आ गया। मेरे भैया जल्दी से बताओ ऑप्शन सही हुआ कौन सा? सी। जब आप इस तरीके से प्रश्न पढ़ोगे तो एक बार में नहीं समझ में आएगा, लेकिन दूसरी बार में जब आएगा तो ये कभी भूलेगा नहीं, आपको हर बार याद रहेगा, कभी दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पाचक एंजाइमों एवं उनसे संबंधित अंगों का गलत समूह है। अब इसमें क्या कहना है, गलत समूह की बात कर रहा है। आइए देखते हैं, टॉयलिन लार ग्रंथियां होती हैं, बिल्कुल टॉयलिन जो होता है ये लार ग्रंथि होती है, सही है। पेप्सिन जो होता है आमाशय में, माल्टेज बनियात, ट्रिप्सिनोजेन पित्ताशय दिया है, ये गलत दे रहा। देखिए ट्रिप्सिनोजेन जो होता है ये एक नाम जो होता है ऐसा एंजाइम है जो कि पित्ताशय में नहीं, कहां? अग्नाशय, अग्न्याशय, अग्न्याशय। अग्न्याशय कहने का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसको हम कहते हैं अगर इंग्लिश में बोलें तो आपका पी साइलेंट होता है, ऐसे होता है एनक्रियास से स्त्रवित होता है। एंजाइम वस्तुतः प्रोटीन होते हैं। एंजाइम जो आप बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंजाइम वस्तुतः क्या होता है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए, वैसे ए होता है एंजाइम। एंजाइम, एंजाइम वस्तुतः ये एक क्या होता है, प्रोटीन ही होता है। प्रोटीन होते हैं जो जैव उत्प्रेरक बायो कैटलिस्ट के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं अथवा उसकी गति को क्या करता है, ये बढ़ा देता है। यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बताओ भैया यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, आगे बढ़ जाएं। आइए क्वेश्चन नंबर 26 में पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, किस वैज्ञानिक ने मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी? अब यहां पर मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की बात की जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत आसान है। विलियम हार्वे का नाम आपने सुना होगा। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र जिसको कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज विलियम हार्वे ने की थी, एंटनी वॉन लिवेनहॉक, कभी कभी बच्चे सोचते हो कि ऑप्शन में नहीं है भाई, होता तो आप लिवेनहॉक की बात करते, जैसे ये है ऑप्शन सी लिवेनहॉक की जब बात करते हो तो आपको बताना चाहूंगा एंटनी वॉन लिवेनहॉक ने लाल रक्त कोशिकाओं, लाल रक्त यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स की बात करते हैं जब, आरबीसी की, तथा गैब्रियल एंड्रल व विलियम एडिसन ने, विलियम एडिसन ने श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी WBC की खोज की थी। तो आरबीसी की खोज किसने किया, लिवेनहॉक ने। WBC की खोज किसने किया था, WBC मतलब श्वेत रक्त कोशिकाओं की खोज किसने किया था, गैब्रियल एंड्रल व विलियम एडिसन ने। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किया, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी विलियम हार्वे हो जाएगा। अब देखो ऊपर कार्ल लैंडिसनर जी हैं तो इनके बारे में बता दूं, कार्ल लैंडिसनर ने मनुष्यों में विभिन्न रक्त समूहों ब्लड ग्रुप्स की खोज की थी। क्या किया था इन्होंने, ब्लड ग्रुप्स यानी रक्त समूहों की खोज की थी। किसकी समूह की खोज की थी, रक्त समूहों की खोज किसने किया, कार्ल लैंडिसनर ने किया था। देखो तो कितने तरीके से प्रश्न बने, चार प्रश्न तैयार हुए कि नहीं, मिटा के दिखाता हूं। कार्ल लैंडिसनर ने क्या किया, रक्त समूह, रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप्स, ब्लड ग्रुप की खोज किया था किसने, किसने किया, कार्ल लैंडिसनर ने। विलियम हार्वे ने क्या किया, रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यही क्वेश्चन ही पूछा जा रहा था। लिवेनहॉक ने जो है आरबीसी की, और गैब्रियल एंड्रिसल ने WBC की खोज की थी।
यहाँ तक आपको तैयार हो गया होगा। बहुत अच्छे से एक एक प्रश्न को नोट डाउन करते चलिए, आइए क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। इसका पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, पीडीएफ रहने से आपको क्या होगा, रिवीजन करने में थोड़ी सी सावधानी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27, किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। देखो क्वेश्चन पूछ लिया ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हीमोग्लोबिन दिख रहा है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ छोटे ही होना चाहिए था, हीमोग्लोबिन। मित्र देखिए, हीमोग्लोबिन की बात कर लेता हूँ, रक्त की लाल रक्त कणिकाओं या फिर लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की अगर हम चर्चा करें तो ये दो वर्ड कैसे कैसे बने, हीम, हीम का मतलब HEME, हीम नामक पदार्थ से निर्मित होता है, जो रक्त में उपस्थित किसके कारण, ऑक्सीजन O2 से संयुक्त होकर रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना है। लाल रक्त कोशिकाएं केवल कशेरुकी प्राणियों में ही पाई जाती हैं, इन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे कभी कभी पूछ लिया जाए कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की सामान्य मात्रा कितनी होती है, तो एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की सामान्य मात्रा जो होती है लगभग 5 से लेकर 6 लीटर, कितना 5 to 6 लीटर होती है, जो शरीर के भार का लगभग कभी कभी पूछा जाता है कितने परसेंट होती है, तो 7 to 8% होता है। रक्त एक गाढ़ा चिपचिपा एवं लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है, जिसका पीएच मान कभी कभी अगर आपसे पूछ ले तो आप बता लेंगे 7.4 होता है। तो लगे हाथ हमने दो तीन प्रश्नों को और देख लिया, बता दिया एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की सामान्य मात्रा पूछेगा कितना होता है, 5 से 6 लीटर। अगर आपसे पूछेगा परसेंटेज में तो 7 से 8%। पीएच मान पूछेगा ब्लड का कितना होता है, 7.4 होता है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28वां क्वेश्चन कह रहा है, हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक शुद्ध रुधिर पहुंचाने वाली रुधिर वाहिनियां हैं। अब जो देखिए, शुद्ध रुधिर यानी प्योर ब्लड को पहुंचाती हैं, उनके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको दिख रहा है धमनियां, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। फेफड़ों से प्राप्त शुद्ध रक्त यानी O2 युक्त यानी ऑक्सीजन युक्त हृदय से धमनियों को कभी कभी इंग्लिश में बच्चे नहीं जान पाते हो, लो आर्टरीज, क्या कहते हैं फ्रेंड्स, आर्टरीज के द्वारा शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाया जाता है। इसके विपरीत विभिन्न अंगों से प्राप्त अशुद्ध रक्त जो होता है, अशुद्ध रक्त कहने का मतलब जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त शिराओं वेंस के द्वारा हृदय तक पहुंचाया जाता है। पल्मोनरी महाधमनी आपने पढ़ा होगा, ये देखिए पल्मोनरी महाधमनी एकमात्र धमनी है जो अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि अशुद्ध रक्त का परिवहन कितना कौन करता है, तो ये आप नोट कर लीजिए, अशुद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो बनता है, अशुद्ध रक्त का परिवहन कौन करती है, तो अशुद्ध रक्त का परिवहन पल्मोनरी महाधमनी करती है, तथा पल्मोनरी शिराएं जो होती हैं, पल्मोनरी सिरा एकमात्र सिरा है जो शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। यहां महाधमनी ना हटा के फिर क्या लिख देता, अगर मैं लिख देता पल्मोनरी, पूछा जा सकता है पल्मोनरी सिरा जो होती है ये क्या करता है, शुद्ध रक्त का परिवहन करता है, अशुद्ध किस कौन करता है, पल्मोनरी महाधमनी। तो सिरा और धमनी ऐसे याद कर लो, महाधमनी अशुद्ध, सिरा शुद्ध, पल्मोनरी महाधमनी अशुद्ध रक्त, पल्मोनरी शिरा शुद्ध रक्त, इसी तरीके से आप इस चीज को याद कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पर, क्वेश्चन नंबर 29, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन के स्त्राव को उत्तेजित करने वाले हार्मोन हैं। अब देखिए यहाँ पर हार्मोन्स की बात की जा रही है कि कौन सा हार्मोन किसमें पाया जाता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन एक अमीनो अम्ल है, सबसे पहले तो ये आप जान जाओ, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रवण को उत्तेजित करने वाला हार्मोन, तो सबसे पहले तो ये जानिए थायरोक्सिन हार्मोन एक अमीनो अम्ल है, थायराइड ग्रंथि से
थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन के स्त्राव को TSH, यहां लिखा हुआ देखिए, TSH का मतलब होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फुल फॉर्म होता है इसका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अथवा थायरो, इसको हिंदी में कहिए तो लिख देता हूं, कभी कभी लिख देता है, पूछ देता है, नहीं आता है, थायरोट्रोपिन, क्या कहा जाता है, थायरोट्रोपिन हार्मोन द्वारा उत्तेजित किया जाता है। यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्त्रवित होता है, पूछा जाएगा कि किस ग्रंथि से स्त्रवित होता है, पीयूष ग्रंथि से स्त्रवित होता है। इसीलिए कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो देखो मित्रों, अगर जब आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है, तो बताना चाहूँगा आप लिख लीजिए ऑक्सीटोसिन। कौन सा इंजेक्शन, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसे पिटोसिन सिटोसिनॉन अथवा जेनरिक ऑक्सीटोसिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है पिटोसिन सिटोसिनॉन अथवा जेनरिक ऑक्सीटोसिन भी कहा जाता है। तो यह प्रश्न आपसे पूछा जाता, आप बता लेते। बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जैसे आपसे कह दे कि किस हार्मोन को प्रेम या आलिंगन का हार्मोन कहते हैं, तो यही है आपका, ऑक्सीटोसिन ही है, ऑक्सीटोसिन को ही प्रेम या आलिंगन का हार्मोन कहा जाता है। बच्चों के जन्म के समय तथा स्तनपान करवाते समय यह हार्मोन स्त्रियों में स्त्रवित होता है। इस हार्मोन के दो लक्षित ऊतक होते हैं, स्त्रियों का गर्भाशय यूट्रस तथा स्तन ग्रंथियां जो होती हैं, मेमरी ग्लैंड्स जो होती हैं, उसके द्वारा होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है, ऑक्सीटोसिन का। आपसे प्रश्न कहे कि किस हार्मोन को प्रेम या आलिंगन का हार्मोन किया जाता है, तो इसी को कहा जाता है, ऑक्सीटोसिन को ही कहा जाता है। बिल्कुल आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो गया। आइए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30 पर, क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर आया हुआ है। क्या कह रहा है, कौन सा हार्मोन अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है। देखिए यहां पर आपको दिख रहा है सेक्रेटिन, सेक्रेटिन नामक हार्मोन ग्रहणी ड्यूडेनम द्वारा स्त्रवित होता है, जो यकृत अर्थात लीवर तथा अग्नाशय पैनक्रियास को पाचक रसों के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है। तो बिल्कुल ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में पर, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है स्त्रियों में रजो निवृत्ति के पश्चात किस हार्मोन का उत्पादन नहीं होता है। देखिए जब स्त्रियों में रजो निवृत्ति हो जाती है, तो स्त्रियों में रजो निवृत्ति का मतलब आप समझ रहे हैं ना, मासिक चक्र जिसको कहते हो, कौन सा चक्र, मासिक चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इंग्लिश में भी लिख लीजिए, कुछ बच्चे नहीं समझ पाएंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया में प्रोजेस्टेरॉन ये दिख रहा है आपको, प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजेन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन क्वेश्चन आपसे कह रहा है रजो निवृत्ति, निवृत्ति का मतलब छोड़ना, रजो निवृत्ति यानी मीनोपॉज की बात कर रहा है। मीनोपॉज वह स्थिति है जब महिलाओं में मासिक चक्र की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, यानी जब उनका पीरियड आता है और वो खत्म हो जाता है। इस स्थिति में स्त्रियों में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का उत्पादन बंद हो जाता है। किसका बंद होता है, प्रोजेस्टेरॉन का जो होता है उत्पादन बंद हो जाता है। बाकी आपसे देखिए दो तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, एक तो स्त्रियों में रजोनिवृत्ति मासिक धर्म या पीरियड के पश्चात किस हार्मोन का उत्पादन नहीं होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन का नहीं होता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मासिक धर्म की प्रक्रिया में कौन कौन से हार्मोन मुख्य रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, तो वहां पर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजेन दोनों मुख्य होते हैं, दोनों की आवश्यकता पड़ती है। यहां तक किसी को किसी प्रकार से दिक्कत
नहीं होना चाहिए। कभी कभी एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है, जैसे अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आपसे कहता कि कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है, लड़ो या उड़ो, तो इसी में आता है एड्रीनेलिन। कौन सा? एड्रीनेलिन जो होता है, इसको लड़ो या उड़ो कहा जाता है। अगले पार्ट में उस पर भी चर्चा करेंगे। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32वां आपकी स्क्रीन पर है। स्वपरागण की प्रक्रिया किन पुष्पों में पाई जाती है? किसकी बात किया जा रहा है? स्वपरागण की प्रक्रिया किन पुष्पों में पाई जाती है? जब किसी पुष्प के परागण उसी पुष्प के अथवा उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वार्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह प्रक्रिया स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाती है। यह प्रक्रिया एक लिंगी व द्विलिंगी दोनों प्रकार में पाई जाती है। यानी आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, एक लिंगी व द्विलिंगी दोनों प्रकार के पुष्पों में। बिल्कुल ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर, क्वेश्चन नंबर 33 पर। रिलैक्सिन क्या है? रिलैक्सिन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रिलैक्सिन एक हार्मोन है। क्या है ये? हार्मोन है जो प्रसव के दौरान, प्रसव का मतलब जब बच्चा पैदा होने लगता है उसके दौरान प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा होता है? प्लेसेंटा, प्लेसेंटा द्वारा स्रावित किया जाता है। यह हार्मोन स्त्रियों की श्रोणि मेखला, कौन सी मेखला में पाया जाता है ये भी पूछा जाता है, तो स्त्रियों की श्रोणि मेखला, स्त्रियों की श्रोणि मेखला के मध्य स्थित एक प्यूबिक सिम्फाइसिस, किसमें? प्यूबिक सिम्फाइसिस नामक उपस्थिति में शिथिलन उत्पन्न करके शिशु के जन्म में सहायता करता है। शिथिलन का मतलब आप समझते हैं ना, जैसे गांव में कहते हैं ना यार सहराना, एक तरीके से यानी ढीलापन एक तरीके से कह सकते हैं। क्या है तो रिलैक्सिन क्या है? यह एक क्या है? हार्मोन है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, कैसे होता है, ये हमने सब इस पर चर्चा आपसे कर दिया है। यहां तक किसी को किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहां थोड़ा सा बात प्रसव की बात हो रही थी, थोड़ा सा बता दूं। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्यों में गर्भकाल कितने दिनों का होता है, किसी बच्चे ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो ये बहुत आसान प्रश्न है। मनुष्यों कहने का मतलब मनुष्य मतलब पुरुष नहीं हो जाएगा, ये तो आप समझते ही हैं। मनुष्य में सामान्यतया जो है 280 दिन, कितना? 280 डेज। मनुष्य कहने का मतलब यही कंफ्यूजन आपको क्रिएट करता है। मनुष्य कह दिया तो आप सोचते हैं यार पुरुष लड़के की बात कर रहा है कि लड़की की। भैया कंफ्यूज मत हुआ करिए, जो गर्भकाल होता है ये स्त्रियों में ही होता है केवल। तो मनुष्यों में सामान्यतया 280 दिन, और लगभग जो है अगर भाग दोगे 30 से तो कितना आ जाएगा? 9 माह। कितना? 9 माह का गर्भकाल होता है। शुक्राणु तथा अंडाणु के निषेचन के पश्चात निर्मित युग्मनज का तीव्र विकास होता है। इसमें पहले भ्रूण तथा बाद में एक पूर्ण विकसित शिशु का विकास होता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया जो होती है भ्रूणीय विकास, एम्ब्रायोजेनियस कहलाती है। इसी में एक और प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है कभी कभी कि मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करना प्रारंभ करता है? अब जब मानव भ्रूण बन गया, भ्रूण बनने के बाद वह जो भ्रूण होता है कब स्पंदन करना प्रारंभ कर देता है? तो भ्रूणीय विकास के, जब भ्रूणीय यानी भ्रूण बन जाता है तो भ्रूणीय विकास के चतुर्थ सप्ताह में। कौन से सप्ताह की बात कर रहा है? चतुर्थ सप्ताह। चतुर्थ मतलब चौथे सप्ताह, चौथे मतलब 7 × 28 यानी एक महीना में लगभग, में हृदय का स्पंदन प्रारंभ हो जाता है। भ्रूणीय विकास के 3rd से 8th सप्ताह तक की अवधि जो होती है भ्रूण विकास काल कहलाती है। इस अवधि में शरीर के अंगों का विकास लगभग लगभग हो ही जाता है। तो यहां तक किसी को किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में पर। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। कब? मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। किसके लिए, किसमें? बहुत प्यारा प्रश्न है, बताइए। सभी बच्चों का जवाब भी आना चाहिए।
देखिए बच्चों बताना चाहूंगा, मानव शुक्राणु, मानव शुक्राणु का मतलब आप समझते हैं ना, स्पर्म की बात हो रही है। मानव शुक्राणु स्पर्म को मादा जनपथ यानी अंडवाहिनी में पहुंचने में लगभग कितना मिनट लगता है? लगभग अगर देखें दोनों के बीच का जो समय है, एक से दो दिन तक भी हो सकता है। कब? लेकिन ये मादा, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा फिर से पढ़ते हैं। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन, ये देखिए यहां से ये पॉइंट नोट करिएगा, अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। पहले बहुत ध्यान से सुनिए, मानव शुक्राणु यानी स्पर्म को मादा जनपथ अंडवाहिनियों में पहुंचने में लगभग 30 मिनट का समय लगता है। कितना? 30 मिनट का टाइम लगता है। परंतु यह उसी समय अंडाणु का निषेचन नहीं करता है। अब आप ये सोचेंगे कि आज ही जो है आपने स्पर्म त्याग किया और वो स्पर्म आज ही अंडाणु बनेगा, ऐसा नहीं होगा। पहुंचने में ही, पहुंच तो 30 मिनट में ही जाता है, लेकिन परंतु उसी समय अंडाणु का निषेचन नहीं करता है, बल्कि अगर देखा जाए तो 48 से लेकर के 72 घंटे 48 to 72 hours तक इसकी निषेचन क्षमता सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार अंडोत्सर्ग के बाद अंडाणु कोशिका लगभग अगर देखा जाए, जो अंडोत्सर्ग हो जाता है यानी अंडा जब उत्पन्न बाहर निकल जाता है, उसके बाद भी 12 से लेकर के 24 घंटों तक निषेचन योग्य बनी रहती है, यानी वो बॉडी जो होती है उसी तरीके से बनी होती है। तो क्वेश्चन कह रहा था मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं, तो इसमें देखिए 48 से 72 घंटा, 72 घंटा मतलब क्या होता है, 48 मतलब 2 दिन, 24 दूना 48, 24 त्रिक 72, यानी 1 से 2 दिनों तक के लिए, यानी इसमें जो दिया है इसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो 1 से 2 दिनों के लिए हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पर है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल उपस्थित नहीं होते हैं? सभी अनिवार्य एमिनो तत्व तो नहीं होते हैं। आपको दिख रहा है चावल, दूध, अंडा, सोयाबीन। सबसे पहले एमिनो अम्ल क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रोटीन का निर्माण करने वाले 20 एमिनो अम्ल, कितने? 20 एमिनो अम्ल, 20 एमिनो अम्लों में से 9 को तो अनिवार्य एमिनो अम्ल एसेंशियल एमिनो एसिड्स माना जाता है। ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें इन 9 अनिवार्य एमिनो अम्लों की उपस्थिति प्रचुर मात्रा में होती है, वही संपूर्ण प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन कहलाते हैं। दूध, मछली, अंडा, मांस तथा सोयाबीन आदि खाद्य पदार्थों में सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। 9 अनिवार्य एमिनो अम्ल कौन कौन सा है, अगर कभी कभी पूछा जाता है कि ये 9 अनिवार्य एमिनो अम्ल कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में भी लिख लो। आप चाहो तो लिख लो, बहुत अच्छा पॉइंट बताने चल रहा हूं, लिख लीजिए। एक तो हो गया आपका ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। दूसरा आता है आपका थ्रियोनीन, थ्रियोनीन। और उसके बाद तीसरा हो गया आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। और उसके बाद चौथा हो गया मित्र ल्यूसिन, ल्यूसिन। और उसके बाद पांचवा आता है आपका लाइसिन। छठा हो गया मेथियोनीन, मेथियोनीन प्लस सिस्टीन। और उसके बाद सातवां हो गया फेनिलेलिन प्लस टायरोसिन, टायरोसिन। आठवां होता है वैलिन और नवां है हिस्टिडीन। ये आपको ऐसे याद होना चाहिए,
ठीक है, देखते देखते याद हो जाएगा। तो देखो दूध, अंडा, सोयाबीन में तो सभी अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, लेकिन ये जो चावल दिया है आपका ऑप्शन क्या है, ये गलत है, यानी यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 35 का सही हो जाएगा ए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36 पर। सूची एक तथा सूची दो को सुमेलित कीजिए, कूट का चुनाव कीजिए। एक तरफ सूची एक, दूसरी तरफ सूची टू दिया हुआ है, आइए मिलाते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। देखिए लैक्टोज, दूध में मीठापन का जो कारण आपको मिलता है वो किसके कारण होता है, लैक्टोज के कारण होता है, तो आपका ए में सही होना चाहिए। तीन ये सही, यानी दो ऑप्शन तो काट दो पहले ही। ठीक है, लैक्टोबैसिलस जो होता है या दूध का दही में परिवर्तन करता है, दूध का दही में परिवर्तन, यानी ऑप्शन आपका कौन सा होगा, फोर्थ, यानी बी में फोर्थ होना चाहिए, यहाँ दो दिया है यानी ये हो गया। रेनिन जो होता है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम, यानी इसमें एक होगा। कैसीन जो होता है ये दूध का सफ़ेद रंग जो होता है यह कैसीन के कारण होता है, यानी इसमें सेकंड हो जाएगा, यानी 36वें का सही जवाब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है। आइए क्वेश्चन नंबर 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाला रोग सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है यानी मिला हुआ नहीं है, इसके बारे में बताना है। देखो कैल्सीफेरॉल अस्थि रुग्णता, कैल्सीफेरॉल जो है मित्र ये अस्थि रुग्णता, बिल्कुल ये भी सही है। नियोसिन पेलाग्रा चर्मग्राह, ये सही है। कोबालामिन जो है, कोबालामिन संघातिक रक्ताल्पता, ये भी सही है। राइबोफ्लेविन बेरी बेरी दिया है, ये गलत है। राइबोफ्लेविन जो है कि इस पहले तो हम ये जाने कि कौन से विटामिन की कमी कारण होता है, यहाँ बेरी बेरी दिया है, तो बेरी बेरी नामक रोग जो होता है विटामिन B1 थायमिन की कमी के कारण होता है, किसके कारण, विटामिन B1 थायमिन की कमी के कारण, लेकिन यहाँ पर राइबोफ्लेविन की बात करा, तो ये राइबोफ्लेविन जो होता है ये विटामिन कौन सा होता है, B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। मानव शरीर में इसकी कमी से, विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है, किलोसिस नामक रोग होता है, जबकि बेरी बेरी जो है ये B1 का है। बेरी बेरी किसकी कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो है ये क्या होना चाहिए, थायमिन होना चाहिए, या तो यहाँ राइबोफ्लेविन की जगह थायमिन करो, या तो बेरी बेरी की जगह किलोसिस करो, यानी ये ऑप्शन क्या है, गलत है, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38वें पर, क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, वह प्रोटीन जो मस्तिष्क के एक गंभीर रोग अल्जाइमर को उत्पन्न करता है, अल्जाइमर को उत्पन्न करता है, बताइए आप सभी, एमीलाइड प्रीकर्स प्रोटीन, वैसे पूरा नाम है बीटा एमीलाइड प्रीकर्स प्रोटीन, मस्तिष्क के गंभीर रोग अल्जाइमर को उत्पन्न करता है। इस रोग से प्रभावित व्यक्ति की मानसिक क्षमता कम हो जाती है तथा उसकी याददाश्त मेमोरी जो होती है बहुत कमजोर हो जाती है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो गया। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 39वां आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है, किसका संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जाता है, यहां दिख रहा है आपको विटामिन के का संश्लेषण यानी सिंथेसिस करता है, विटामिन के रक्त का स्कंदन कोगुलेशन करने में सहायता करता है, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40वां आज का अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कोलेकैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, कोलेकैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम अगर बात आती है तो विटामिन डी की बात आती है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, क्या है मित्रों, कैल्सीफेरॉल है। मनुष्य में विटामिन डी मुख्यतः दो यौगिकों में पाया जाता है, विटामिन D2 अथवा कोलेकैल्सीफेरॉल, ये कोलेकैल्सीफेरॉल मतलब विटामिन D2 कह सकते हैं।
तथा विटामिन D3, D3 कहने का मतलब होता है एग्रो कैल्सीफेरॉल। सूर्य का प्रकाश जो है प्रमुखतया देखा जाए तो विटामिन डी का प्रमुख स्रोत होता है। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या होता है? सूर्य का प्रकाश होता है। यहाँ तक किसी को किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होना चाहिए। आज का सेशन, यह सेशन कैसा रहा जरूर बताइएगा। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको याद करने के लिए देता हूँ, आप याद करके आइएगा। एक तरफ मैं लिखता हूँ आविष्कार, आविष्कार, और दूसरी तरफ देखता हूँ आविष्कारकर्ता, कौन किसकी खोज किया। मैं पांच नाम लिखता हूं। पहला आप नोट डाउन कर लीजिए, रेबीज। रेबीज क्या होता है? रेबीज का टीका लगता है, रेबीज का टीका लगता है। रेबीज टीका का खोज किसने किया था? ये किया था लुई पाश्चर ने। किसने किया था? लुई पाश्चर। अच्छा, उसके बाद दूसरा हो गया आपका इंसुलिन। इंसुलिन, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था आपसे पूछा जाए तो आप नोट कर लीजिए, बेंटिंग व बेस्ट ने, बेंटिंग व बेस्ट ने। इसके बाद आपको बताना चाहूँगा तीसरा, पोलियो का टीका, पोलियो टीका, पोलियो टीका का खोज किसने किया? ये किया जोनास सॉल्क ने, जोनास सॉल्क ने। लगे हाथों आप याद करते चले करें, इससे बहुत मजा आएगा, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से धीरे धीरे याद होती चली जाएंगी। ठीक है मित्रों, आए आगे बढ़ें, एक दो और ले लेते हैं। विटामिन ए, विटामिन ए की खोज किसने किया था? हॉप, बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉपकिंस, हॉपकिंस इंग्लिश नाम है, जैसे भी लिख लीजिए, हॉपकिंस तथा मैकोल में, हॉपकिंस तथा मैकोल में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिया है, आप इसको याद कर लीजिए। विटामिन ए के बाद आप विटामिन और याद कर लीजिए, विटामिन बी, विटामिन बी की खोज किया था मैकुलन ने। किसने किया? मैकुलन ने। विटामिन सी अल्बर्ट जेंट जॉर्जी ने। विटामिन डी हॉपकिंस ने। विटामिन के हेनरी कॉर्ल पीटर डैम ने। और वैसे विटामिन की खोज केवल डायरेक्ट अगर आपसे पूछा जाता है तो विटामिन की खोज एफ जी हॉकिंस ने किया था। किसने किया? एफ जी हॉकिंस ने किया है। आज के पार्ट में इतना ही।